इससे जो मेरी सोच आप तक पहुंच रही है ना, अगर ये सोच आपके मतलब की नहीं है, लेकिन आप तीन ऐसे लोगों को जानते हो जिनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जो लगता है आपको कि ये सोच उनके मतलब की है, तो हाथ जोड़ूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा तीन लोगों को शेयर करो, ताकि कम से कम आपका अगर ये मतलब नहीं निकलता इस चीज से तो उनका तो मतलब निकलेगा। इसमें आप जो मर्जी बनाओ ना, इसको बोलते किलोमीटर लेंथ। अच्छा, पूरा पीस आएगा, देखो सर पूरे पीस को मैंने कर लिया मुट्ठी में बंद, हर गड्डी पे रेट, जिस रेट पे पड़े, होलसेलर को कपड़ा जाता है, क्योंकि मेरा मानना ये है सर, माँ के पेट से कोई बड़ा पैदा नहीं होता, इंसान एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सहयोग से बड़ा बनता है। तो 25,000 के सामने 18,000 रुपए का प्रॉफिट आया सर, कितना परसेंट हो गया, 75 से लेके 78% का प्रॉफिट हो गया सर। कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच के, देखो सर इसके ऊपर भी लिखा, वो बात बोलूंगा डंकी की चोट पे बोलूंगा, राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आज मैं आपको लगाऊं लेडीज सूटों के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, जो कि जाने माना नाम है राधे राधे परिवार। हाँ सर, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया सर, और बताइए सर आप कैसे हैं? सर मैं तो बढ़िया हूँ सर, अभी 8:15 हो रहे हैं सर रात के, और सर अभी तक काम चल रहा है सर, पैकिंग का काम चल रहा है। देखिए यहाँ हमारी पब्लिक डीलिंग 8 बजे बंद होती है, लेकिन पैकिंग हमारी सुबह 4 बजे तक चलती है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के हर उस इंसान को मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो लोकल परचेसिंग कभी मत करना, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता है ना भाई साहब, उतना ही महंगा होता चला जाता है। हिंदुस्तान के हर कोने में मेरा माल जाता है, देखो सर ये जा रहा है संगरिया, हनुमानगढ़, राजस्थान, हर इलाके का पिन कोड पड़ा हुआ, आप आराम से देख सकते हो। ये मेरा जा रहा है अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, ये मेरा जा रहा है सर गिरडीह, झारखंड, ये देखो सर, ये मेरा माल देखो सर, इस तरीके से पैकिंग होती है हमारी। अभी पार्सल पूरी सेफ्टी से जाएगा, टाट पट्टी लग के पूरा, बिल्कुल पूरा वाटरप्रूफ। आदित्य नयन ट्रेडिंग जी, ये जा रहा है मेरा नवादा, नवादा पड़ता है जिला एक बिहार का, ये बराबर पिन कोड पड़ा हुआ है। ये मेरा माल जा रहा है सर अबोहर पंजाब, ये मेरा जा रहा है बागपत बलौक, ये मेरा जा रहा है ममता सहानी बरेली, पूरा पिन कोड पड़ा हुआ है। ये मेरा जा रहा है जशपुर उत्तराखंड, ये मेरा जा रहा है पार्सल सर ये जौनपुर यूपी, ये मेरा पार्सल जा रहा है दरभंगा बिहार, पूरा भारत कवर किया हुआ है सर। 30 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर और 11 स्टेट मैंने दिखा दी। मैंने ये जो आपको दिखाया ये इसलिए नहीं दिखाया कि मेरा माल जाता है, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मेरे पास में आपको हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट मिलेगा, चाहे हिंदवानी टेस्ट हो, चाहे मुसलमानी टेस्ट हो, चाहे पंजाबी टेस्ट हो, चाहे मेवाती टेस्ट हो, चाहे आपको शोरूम के लिए लेना हो, चाहे आपको दुकान के लिए लेना हो, चाहे आपको घर से बेचना हो, चाहे आपका बुटीक हो, चाहे आपको फेरी करनी हो, चाहे आपको सेल लगानी हो, चाहे आपको ऑनलाइन जाना हो, और चाहे आपको बाजार जो साप्ताहिक बाजार लगते वैसे काम करना हो। राधे राधे परिवार लेडीज सूट बनाता है 120 रुपया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, 120 रुपए से हमारा कलेक्शन स्टार्ट होता है और 1500 कहां तक जाता है, 1500 टोटल हम लोग 7,500 वैरायटी, सर डिजाइन की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7,500 वैरायटी बनाते हैं 44 रेंज के अंदर, एक एक रेंज के अंदर 300, 400, 500 वैरायटी होती है हमारे पास में। हमारी हर गड्डी, हमारी 3 खासियत है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी। एक, हम कपड़ा बनाते हैं, हमारी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, हमारा रेट कभी नहीं बढ़ता। बाजार में अगर 50 रुपए सूट की बेतेजी आ जाएगी तो जो हमारा रेट आज है वो रेट आज भी वही है जो आज से 5 साल पहले था, और अगले 5 साल बाद भी आपको वही रेट मिलेगा जो हमारी हर गड्डी पे लिखा होता है। आप कोई सी भी गड्डी हमारे किसी भी खाने से निकालोगे ना सर, ये 350, ये देखो सर 120, कहां से बोला सर मैंने आपको, 120 से शुरू होता है, ये देखो सर 150। अब गड्डी है, गड्डी पे पेंशन रेट देख सकते हैं तो स्पष्टीकरण लगा के रखते हैं, 150। तो मतलब कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि मैं हिंदुस्तान के हर उस कोने में पहुंचना चाहता हूं, हर उस इंसान तक पहुंचना चाहता हूं जो इंसान कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है, क्योंकि मैं कपड़ा बनाता हूं, और मैं इसलिए पहुंचना चाहता हूं क्योंकि मैं फैक्ट्री चलाता हूं। तो मेरी सोच क्या है कि जितनी क्वांटिटी मेरी बढ़ेगी उतनी कॉस्टिंग मेरी कम होगी, और जितनी कॉस्टिंग मेरी कम होगी उतना फायदा मैं आपको दूंगा। देखो सर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे पढ़ते हैं जी, तो 40 के 40 तो फर्स्ट नहीं आते ना, नहीं सर, 5-4 फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, पढ़ाता तो मास्टर से बराबर ही है ना, बिल्कुल। फर्क क्या है मैं आपको बताऊं, फर्क सबसे बड़ा ये है कि कोई भी इंसान, मैं क्या कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर उस इंसान को जो कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है, बहुत ज्यादा काम करने से कभी सफलता हासिल नहीं होती, बिल्कुल सर। आप अगर सही काम को सही तरीके से करोगे और सही इंसान के साथ जुड़ के करोगे तब आपको सफलता मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो क्या रेट से आपको कपड़ा मिल रहा है, मेन बात सबसे बड़ी वो है, क्योंकि जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आएगा नहीं। सर कपड़े की जो चेन है ना वो टोटल 7 हाथों में से निकलती है, 7 तो जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले नंबर पे आता बनाने वाला, जैसे कि हम राधे राधे परिवार, और बनाने वाले की क्या पहचान है, बनाने वाले की 2 पहचान है, एक उसका माल कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि वो बनाता है, आप डिमांड करोगे दोबारा बना के दे देगा आपको, 7 दिन में कपड़ा तैयार हो जाता है। दूसरा, उसका रेट कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता मार्केट के हिसाब से, उसका रेट एक ही रहता है कॉन्स्टेंट, ये होती है 2 पहचान, जैसे कि राधे राधे परिवार, ना तो हमारी कोई चीज कभी खत्म होती, ना किसी चीज का रेट कभी ऊपर नीचे होता।
चेन कैसे निकलती है, पहले नंबर पे आता मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में आता डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में आता होलसेलर, उसके बाद में आता सेमी होलसेलर, उसके बाद में आता रिटेलर, उसके बाद में आता कंज्यूमर। कितने हाथ हो गए सर? कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 5 हाथ हो गए। अगर 10% का भी फर्क लगाओ ना सर, मरे से मरा बता रहा हूं मैं आपको, 10% कुछ नहीं होता कपड़े के व्यापार में। कपड़े के व्यापार में प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना किसी रिटेलर का, तो आपको मालूम पड़ेगा सर 50% 100% से कमती में कोई इंसान रिटेलर काम नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो जुड़ो राधे राधे परिवार से। 120 रुपए से हमारी रेंज शुरू होती है और 1500 पे आके खत्म होती है। दिल्ली चांदनी चौक में हमारा शोरूम है, संडे को बंद रहता है, दोपहर 12 बजे खुलता है। चांदनी चौक में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हो, दोपहर 12 बजे के बाद संडे को छोड़ के 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव आपको लेके आएगा और छोड़ के आएगा। आपको आना कहाँ है चांदनी चौक में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत फेमस एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी, उसके बराबर में परांठे वाली गली है। 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे 12 बजे के बाद संडे को छोड़ के आप फोन करोगे, लड़का आपको लेके जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आपको छोड़ के दिया आएगा। तो ये तो छोटी सी मैंने आपको सोच बताई जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब आते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वैरायटी के ऊपर। मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की। कुछ रैंडम सैंपल दिखाऊंगा, कोई सिलेक्टेड वैरायटी नहीं दिखाऊंगा, खाली दिखाऊंगा किस तरीके से। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज कि मैं आपको क्या चीज क्या रेट से दिखा रहा हूँ, उस कपड़े का कट बताऊंगा, उस कपड़े का नाम बताऊंगा, वो चीज क्या हमें आप बेच सकते हो और किस तरीके से आप बेच सकते हो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कपड़े के व्यापार के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरी सोच क्या है, मेरा 43 साल का तजुर्बा क्या कहता है कि खरीदना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। खरीदने जाओगे तो जेब में से कुछ जाएगा और बेच के आओगे तो जेब में कुछ आएगा। मैं आपको बेचने के ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा कि वाकई में आपको लगेगा कि कपड़े का व्यापार करना कितना आसान है। बस शर्त सिर्फ एक है कि कपड़ा वहां से खरीदना जहां से वो चीज बन के निकली है। मैं नहीं कहता मुझसे खरीदना, मेरे वीडियो में आधे घंटे में आपको ये सुनने को मिलेगा ही नहीं कि भाई साहब ऑर्डर कर लो, माल मंगा लो, मेरा खत्म हो जाएगा। मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती। पूरे परिवार के साथ 100, 200, 500 लोगों के साथ मिलकर मेरी बैठ के वीडियो देखो, उसके बाद आपको लगे कि मेरी एक एक बात में सच्चाई है, गहराई है। और आपकी जिंदगी वो चीज अगर बदल सकती है ना, तो आप मेरे वीडियो से जुड़ के, मेरे राधे राधे परिवार से जुड़ के अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको वैरायटी दिखाना स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको एड्रेस बता दूं, हमारा जो प्रॉपर एड्रेस है 2793 ग्राउंड फ्लोर गली माता वाली चांदनी चौक दिल्ली। ये प्रॉपर एड्रेस है, स्क्रीन पर आपके टेलीफोन नंबर आएगा। अब मैं आपको पूरी वैरायटी दिखाऊंगा 120 रुपए से लेके और 1500 रुपए तक की। अब मैं आपको पहले वैरायटी दिखाऊंगा थान वाली। टोटल जो वैरायटी होती है ना, टोटल वो होती है 7 प्रकार की। सबसे पहले नंबर पे कवर करूंगा थान वाला सूट, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लेने देने वाला सूट, डेली यूज का सूट, पार्टी वेयर सूट, बुटीक कलेक्शन, वेडिंग कलेक्शन और ब्राइडल कलेक्शन। और सर ये ऑल ओवर सूट है। अब मैं इस पर रेट नहीं लिख सकता ना, देखो सर रेट लिखा हुआ है ना 130। अब ये असर 5 साल पहले भी 130 का था और आज भी 130 का है, और अगले 5 साल की मैं आपको गारंटी करता हूँ ये तब भी आपको 130 का मिलेगा। मार्केट में 180 का हो गया, 200 का हो गया, लेकिन मेरे पास 130 का मिलेगा। कपड़ा क्या है? प्योर मक्खन, इसका नाम है बटन। ठीक है, चल लस्टर देखो कपड़े का, और कट कितना आएगा? पूरा 5 मीटर, पूरा 5 मीटर। मीटर लेके नापोगे साइज की लेडीज गर्ल्स को आ जाएगा सर। अरे मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ, इसमें आप जो मर्जी बनाओ ना, इसको बोलते किलोमीटर लेंथ। अच्छा, पूरा पीस आएगा। देखो सर पूरे पीस को मैंने कर लिया मुट्ठी में, बंद कर ली मैंने, क्या दुनिया मुट्ठी में। कितने का सूट है सर? 130 का। कितने का बेचना है आपको? मात्र 200 रुपए का। और कैसे बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा। डिजाइन कोई भी मैं आपको चीज दिखाऊंगा सर, मेरे पास मिनिमम हर रेंज के अंदर कितने डिजाइन मिलेंगे? कम से कम 100। मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया सर, इसके 4 डिजाइन। कितने का बेचना है? 200 रुपए का। ठीक है, अब दूसरा आइटम मैंने आपको दिखाया सर, ये प्योर आएगा इंडो कॉटन। कट कितना आएगा? पूरा 4.5 मीटर। रेट कितना आएगा इसका? 150 का। और कितने का बेचना है सर आपको इसको? मात्र 200 रुपए में। मात्र 200 रुपए का बेचना है। देखो सर मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, 200 से कम तो बिक्री किसी चीज नहीं हो सकती ना। ये मैंने जुराब पहन रखी है, जुराब का जुड़ा 45 रुपए का है, तो 200 से कमती में क्या छूट मिलेगा सर? बिल्कुल। 4 गारंटी मैं पहले बता देता हूँ। कलर की मेरी 100% गारंटी है, सिलाई में से निकल जाए 100% गारंटी है, सुकड़ जाए मेरी 100% गारंटी है, और रो आ जाए तो 100% गारंटी है, और 5वीं गारंटी कपड़े में बनी नहीं है। अब कितने का छूट है सर ये? 150 का। कितने का बेचना है? 200 का। ठीक है सर, इसका मैंने पूरा कॉटन का सूट मैंने कर लिया मुट्ठी में, इतनी सॉफ्ट कॉटन है। ये देखो जरा आप, ये अब इसके देखो आप डिजाइन, पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब इसको बेचना कैसे है आपको? 130 का लो, 150 का लो, एक दोनों का क्लब कर दो, एवरेज आएगी 140 रुपए। बेचना है 200 रुपए का। अब मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ। नॉर्मल
एक इंसान अगर कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है तो आपके हिसाब से मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कम से 50 से 8,500 होनी चाहिए। 50 छोड़ दो, 60 छोड़ दो, 40 छोड़ दो, 30 छोड़ दो, कम से कम पकड़ के चलते हैं 25,000 रुपए। आपके हिसाब से एक इंसान अगर मैन्युफैक्चरिंग रेट से कपड़ा लेता है, मैन्युफैक्चरिंग रेट वो होता है जिस रेट से बड़े होलसेलर को कपड़ा जाता है। मैं आपको बताऊं, लाल किले से शुरू करो और फतेहपुरी पे खत्म कर दो, जितने कटरे आते हैं ना, चांदनी चौक के कटरे बता रहा हूँ सर मैं आपको, गिनती करवाता हूँ, कटरा नील, संतोषी मार्केट, बाग दीवार, कृष्णा मार्केट, उसके बाद में ये नटवा कुचा, उसके बाद में आ जाओ सत्यनारायण कटरा, ढूलिया कटरा, अशर्फी कटरा, नागपुरी कटरा, ये अपना ये कटरा शहनशाही, जितने भी मार्केट है ना मेन रोड के, जहाँ बड़े से बड़े होलसेलर बैठे हैं, मेरा हर व्यापारी को कपड़ा जाता है और उसी रेट से आपको कपड़ा दूंगा, हर गड्डी पे रेट, जिस रेट पे बड़े से बड़े होलसेलर को कपड़ा जाता है, क्योंकि मेरा मानना ये है सर, माँ के पेट से कोई बड़ा पैदा नहीं होता, इंसान एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सहयोग से बड़ा बनता है। अब आपको मैं एक सवाल और पूछता हूँ, एक इंसान अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कपड़ा खरीदता है तो कितने पीस रोज के आराम से बेच सकता है? सर कम से कम ये 15-20 पीस तो, और 15 हटा दो 20 हटा दो 10 हटा दो 9 8 7 6 5 पीस मान लो आप, सिर्फ 5 पीस, 5 पीस आराम से बिक जाएंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कागज पे लिख के देता हूँ, अगर किसी इंसान को फॉर्मूला नहीं समझ में आया ना तो मेरे को कॉल करके बताए कि उसको फॉर्मूला क्यों समझ में नहीं आ रहा। 25,000 की इन्वेस्टमेंट, 5 पीस अगर आप रोज के बेचते हो तो हर 60 दिन में, कितने दिन में? हर 60 दिन में पैसा आपके पास पलट के वापस आएगा डबल होके। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। आप चाहे लगा लो शेयर मार्केट में, आप चाहे लगा लो गोल्ड में, आप चाहे लगा लो प्रॉपर्टी में, आप चाहे लगा लो म्यूचुअल फंड में, आप चाहे लगा लो FD में, और आप चाहे डाल लो सेविंग अकाउंट के अंदर, पैसा आपके पास 6 साल से लेकर 8 साल में डबल होके आता है। और इस कपड़े का व्यापार का पैसा हर 60 दिन में डबल होके आएगा। लाओ कैलकुलेटर देखो सर, कितने का सूट है ये? 140 का दोनों को मिला के बेचना कितने का है? 200 रुपए का। आपके पास एवरेज आई 60 रुपए पीस की, 60 को करो 5 से गुणा और करो 60 से मल्टीप्लाई, कितने रुपए हो गए सर? 18,000 रुपए हो गए सर। एक आइटम खाली 200 रुपए की आप बिक्री डालते हो तो खाली एक आइटम में अगर आप 25,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो 60 दिन के अंदर अगर सिर्फ 5 पीस आप रोज के बेचते हो तो 25,000 के सामने 18,000 रुपए का प्रॉफिट आया सर। कितना परसेंट हो गया? 75 से लेकर 78% का प्रॉफिट हो गया सर, मात्र 2 महीने के अंदर। ये मैंने आपको दिया पहला फॉर्मूला। अब सर थान वाला सूट मैं आपको बताऊँ होता क्या? एक्चुअली थान वाले सूट में दुपट्टा नहीं होता, ठीक है? ये बिना दुपट्टे के सूट होते हैं, इसमें सब कुछ बनता है। एक लेडी को अपने पहनने के लिए कुछ भी बनवाना हो, सूट सलवार लेगिंग कुर्ती गरारा शरारा प्लाजो ब्लाउज पेटीकोट साड़ी मैक्सी नाइटी गाउन, इसको अगर आधा आधा मीटर एक एक मीटर काट के भी बेचोगे ना तो भाई साहब पूरे पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। अब 200 रुपए से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ 250 रुपए का फार्मूला। फार्मूला वही काम करेगा, 25,000 की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट या उसका मल्टीपल, क्योंकि जितनी वैरायटी आपके पास ज्यादा होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। 25,000 की अगर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप अपने व्यापार में लगा रहे हो या शुरू करना चाहते हो, लगा के बैठे हो, तो किस तरीके से आपको काम करना है यह देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी सोच क्या काम करती है। मैं हर उस इंसान को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो कभी भी दूसरा मौका नहीं देती, और ना गारंटी देती ना वारंटी देती। वो पहला मौका जो आपके पास पहुंच रहा है ना, अगर आपने उसको पकड़ लिया और कैच कर लिया तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 60 वैरायटी जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, एक एक वैरायटी मुंह से बोलती भी होगी, और इस वैरायटी के दौरान आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप क्या चीज क्या भाव में लेके और क्या भाव में बेच सकते हो। अब देखो सर, कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच के लिए, देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 180 रुपए का, ठीक है? ये देखो सर कपड़ा आएगा 4 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है? देखो पूरा जरी का तार है सर, थोड़ा फोकस करके दिखाओ जरा पास से आप इसको, पूरा जरी का तार है और जरी का तार सर वीविंग में है, देखो आप पीछे से दिख रहा है आपको, ये पूरा बीवी के अंदर जरी का तार है। कितने का सूट है सर ये? मात्र 180 रुपए का, मात्र 180। अब ये देखो सर, मैंने पूरे पीस को करा मुट्ठी में बंद और ये डाला आपके सामने, लाओ बेटा डिजाइन लाओ जरा इसके, पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी के साथ का मैं आपको दूसरा वेरायटी दिखाता हूँ जो आपको 250 की सेल में डालना है, ठीक है सर? इसमें आएगा, ये था ऑल ओवर, अभी आएगा मिक्स एंड मैच जी, इसमें 2 मीटर का टॉप आएगा। अब देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो सर दिखा ना 180 रुपए, 180 लिखा है सर। यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होती कि कोई नया है, कोई पुराना है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दूर का है, कोई पास का है। सोच एक ही है कि कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं है, जिंदगी भर का है। जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा ना, जब तक कपड़े की जरूरत रहने वाली है। तो मैं बनाने वाला और आप बेचने वाले, मैं आपके बिना अधूरा और आप मेरे बिना अधूरे। ये देखो सर 180 रुपए का सूट, ठीक है? ये आया पूरा टॉप, ये देखो सर पूरा 2.5 मीटर का बॉटम आएगा, चमक भी बढ़िया होने वाले सूटों में। सर हर चीज की जो सोच है ना वो एक ही है कि आपका जाके बिकना चाहिए, क्योंकि आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा ना सर, तभी तो दोबारा मेरे पास में आओगे आप। क्वालिटी अच्छी रखेंगे जब ये बढ़िया बिकता है। क्वालिटी तो बढ़िया मिलेगी, मिलेगी साथ में रेट सर, कपड़ा तो रेट से बिकेगा ना
जी। अब मैं 180 रुपए में आपको कट छोटा दे दूं, माल कचरा दे दूं, क्या फायदा उसका? जैसे फेरी लगाने वाले हैं वो तो घरों में बिकते हैं, घरों में पहले जाते हैं सर छूटिए। आप फेरी तो छोड़ो, आप बड़े बड़े शुरू में भी बिकते हैं छूटिए वाले। ये देखो सर तीसरा और ये चौथा। अब 250 की बिक्री में डालने के लिए आपको एक आइटम मैं और देता हूँ, ठीक है? अब ये आएगा प्योर क्वालिटी नंबर वन होने वाले सर आपके पास कपड़ा आएगा सर, प्योर गोल्ड फॉयल रेयॉन प्रिंट, रेयॉन कॉटन। आप बाजार में जाओगे ना 70-75 रुपए मीटर से कम नहीं मिलेगा। देखो सर पूरा गोल्ड का प्रिंट है इसके अंदर। अब ये देखो सर 2 मीटर का टॉप आएगा और 2.5 मीटर का इसका पूरा बॉटम आएगा, कट का आएगा पूरा 4.5 मीटर। ये देखो सर पूरा 2.5 मीटर का बॉटम मैंने खोल दिया आपके सामने। इसके भी 8-8 पीस के बंडल आएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब इसी 250 रुपए की बिक्री में आपको एक आइटम और डालनी है, ठीक है? वो आएगी 200 रुपए, ठीक है? प्योर कॉटन कैम्ब्रिक, ठीक है? एक पीस मैंने आपके सामने खोल दिया इसका। ये देखो सारा ये दे सकते हैं, कितना खूबसूरत सूट है मैंने लाया। देखिए देखो जरा चीज चमक देखिए सर, कपड़े में हाथ डालो कॉटन की भाषा आपको महसूस होगी। बिल्कुल कॉटन है ये। कितने का सर ये? मात्र 200 रुपए का। मात्र 200 रुपए में सुना है? मात्र 250 रुपए में, ठीक है? अब देखो सर कॉटन ये आपके सामने मैंने पूरे पीस को कर लिया मुट्ठी में। ये देखो सर पहला डिजाइन, ये दूसरा डिजाइन, ये तीसरा डिजाइन और ये चौथा डिजाइन, ये आ गया इसके 4 डिजाइन। अब करना क्या सर वो मैं आपको बताता हूँ। 180 का एक आइटम, 180 का एक आइटम, 190 का एक आइटम और 200 का एक आइटम, इन चारों को करो क्लब आपस के अंदर। सर 180 का एक, 180 की दो, 190 का एक और 200 का एक, कितने रुपए का होगा सर ये? आपके सूट ये हो गए 187.50 रुपए, माइनस करो 250, इंटू में करो 5 और इंटू में करो 60, कितने रुपए होगा सर? 18,750। सर कैलकुलेटर तो बच्चों को भी चलाना आता है, इसमें तो कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं है। नहीं। मैं आपको आपको ये लग रहा होगा कि इतना सस्ता मैं बेचने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसका कारण है कि ना तो मेरी कोई चीज कभी खत्म होती और ना ही किसी चीज का रेट मेरा कभी ऊपर नीचे होता। तो मैं आपको अगर 5 बेचने के लिए बोल रहा हूँ 250 के, तो आप 10 बेचो ना। बिल्कुल, अगर 5 के अंदर आपको 18,750 आ रहे हैं, अगर डबल कर लोगे इसको आप, तो आप देखो सर कितने रुपए हो गए, 37,500 रुपए हो गए। अगर 10 पीस आप रोज के बेचोगे ना, इसके 250 रुपए की बिक्री, अगर सेल लगा दोगे आप कहीं पर, धड़ा भी लगा दोगे ना, मैं कह रहा घर में बेच लो 250 रुपए के हिसाब से, रोज के घर में 10-5 सूट तो कोई लेडीज भी बेच सकती है सर। देखो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कपड़े का व्यापार एक बहुत ही साफ सुथरा व्यापार है, इसको कोई भी कर सकता है। क्योंकि पहली बात तो क्या है सबसे बड़ी, कि कपड़े के व्यापार में किसी को नुकसान नहीं लग सकता। शर्त एक ही है, कपड़ा मिले उसी रेट से जिस रेट से बड़े होलसेलर को जाता है। दूसरी बात, कपड़ा कभी खराब नहीं होता। तीसरी बात, कपड़ा कभी भी कीमत से नहीं बिकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कपड़ा रिटेल में जो बिकता है ना, वो लुक से बिकता है, खूबसूरती से बिकता है। जो पीस जितना ज्यादा खूबसूरत होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ कोई शर्त नहीं है, ना रुपए पैसे की शर्त है, ना जगह की शर्त है, ना जेंडर की शर्त है। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस काम को कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई लिखाई की भी कोई शर्त नहीं, शर्त सिर्फ एक है, कपड़ा वहां से मिले जहां से वो चीज बन के निकली है। और बनाने वाले की दो पहचान, एक उसकी कोई चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, दूसरा उसका रेट कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं आपको, हर इंसान जो वीडियो बनाता है ना, स्टार्टिंग में बोलता है आई एम द मैन्युफैक्चरर, मैं कपड़ा बनाता हूं, मेरी ऐसी फैक्ट्री, मेरी वैसी फैक्ट्री। और क्या बोलता है वीडियो के दौरान, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ऑर्डर कर लो, मेरा माल खत्म हो जाता है। मैं हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले वीडियो का माल 3 दिन में खत्म हो जाता है, दूसरे का 3 दिन में खत्म हो जाता है। अरे भाई तेरे खुद के बैठने की तो दुकान में जगह नहीं है, तो कहाँ तो ग्राहक को बैठाएगा, कहाँ माल दिखाएगा। लोग स्कीमें निकालते हैं, इतना खरीदोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना खरीदोगे ट्रांसपोर्ट की सर्विस फ्री, इतना खरीदोगे तो आने जाने का किराया फ्री, इतना खरीदोगे तो होटल का खर्चा फ्री। अरे फ्री कोई चीज़ होती है? नहीं सर। सर कोई चीज फ्री नहीं होती, निकलता सब इसी के अंदर से है। आप उनको पूछ के देखना कभी कि भाई तुम ये जो फ्री चीज दे रहे हो उसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक आप जब उससे बात करोगे तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली सब लुभावने तरीके हैं। और मेरी सोच एक ही है 365 दिन की, क्योंकि कपड़े का व्यापार 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे का है, तो उसी रेट से कपड़ा मिलना चाहिए जिस रेट से आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरी सबसे बड़ी सोच है। अब सर मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया 250 का, अब ये मैंने आपको पहला सेक्शन कवर किया किस चीज का, थान वाले सूट। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी कैटेगरी, लेने देने वाला सूट, सिर्फ एक आइटम है मेरी दुकान पे लेने देने वाला। अब आपको लग रहा होगा यार लेने देने का क्या मतलब होता है? सर लेने देने का मतलब ये होता है कि ये सबसे सस्ता होता है, अंदर कोई खराब नहीं होता, कोई कटा नहीं होता, कोई फटा नहीं होता। इसका जो साइज होता है ना, वो नॉर्मल साइज की लड़कियों के मतलब का होता है, लेडीज नहीं, लड़कियों का सूट बनता है 18 की हो 19 की हो, लेडीज का सूट नहीं बनता इसके अंदर से। मैं आपको एक पीस इसका, देखो सर पीस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे क्या 130 रुपए में क्या चीज भाई साहब ने दिखा दी और अंदर से क्या निकलेगा। देखो सर हर सूट के साथ तो आएगी फोटो, सर पन्नी को हाथ लगाओ जरा, जो 500 रुपए के सूट में पन्नी पड़ती है ना, वो 120 के सूट में डाल के देता हूँ। हर सूट के साथ आएगी फोटो जी। ये खोला सर मैंने सूट पूरा, ये देखो सर सलवार आ गई,
ऊपर कमीज आ गई और साथ में इसका ये दुपट्टा आ गया। दुपट्टा भी खोल के दिखा देता आपको, ऐसा ना लगे कि आधा मीटर का दुपट्टा है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का पूरा दुपट्टा आएगा सर इसके अंदर। देखो जरा ये देखो सर, सिर्फ 120 रुपए में, सिर्फ 120 रुपए में जी। सर पैकिंग देखो, हर सूट के साथ फोटो आती है इसके अंदर 120 रुपए में भी। यह है राधे राधे परिवार की मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई कि अगर 120 का भी सूट दे रहा है ना तो प्रॉपर पैकिंग के साथ और प्रॉपर मैचिंग के साथ आपको अंदर से कोई कटा फटा नहीं निकलेगा सूटा भरा जी। अब सर ये मैंने आपको दिखाई दो कैटेगरी, अब मैं आपको दिखाऊंगा तीसरी कैटेगरी डेली यूज का सूट। अब इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा वो काम करेगा 250 का, और 250 का बेचने के लिए आपको करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सर, और सर ये जैसे वीडियो जब लाइव होगा तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर हम यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ बैठे हैं, हम आपके पास आते हैं, हमारा माल जाएगा कैसे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो किसी लेवल पे या करना चाहते हो, दूसरी चीज आपको बता दूं, जीएसटी नंबर आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड पे आप काम कर सकते हो 75 लाख रुपए का। दूसरी जानकारी, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है राधे राधे परिवार से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ किराया लगेगा आपका। किराया कितना लगता है अब लोगों के मन में सवाल आएगा, किराया यार 25 रुपए तो किराया लग जाएगा, 50 तो किराया लग जाएगा। सर बता दो कितना किराया लगता कितना है? 2 रुपए शूट से लेके और 5 रुपए शूट में पूरा हिंदुस्तान कवर होता है। जो पार्सल मैंने आपको सब दिखाए ना, ये सब जो जा रहे हैं सब दूरी के हिसाब से किराया लगेगा, मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 5 रुपया, इसमें पूरा हिंदुस्तान कवर हो जाता है। तो टेंशन लेने की दरकार नहीं है, मतलब 5 रुपए शूट अगर आपको होलसेल प्राइस से कपड़ा मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग रेट से, तो पलट के पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये माल जाता है इस तरीके से। दूसरे लोगों के मन में सवाल आता है कि सर मेरा माल तो चला गया ट्रांसपोर्ट से, कल को मेरा माल नहीं पहुंचा तो क्या होगा, पैसे तो मैं दे दिया आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पैसा आप जो राधे राधे परिवार में 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए भी अगर आप दोगे तो पूरा इंश्योर्ड है। एक एक पार्सल जो यहाँ से पैक होके जाता है ना सर, ये पूरा इंश्योरेंस होके जाता है, और उसका भी 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, वो भी राधे राधे परिवार पे करेगा, क्योंकि आप जानते हो राधे राधे परिवार। सर हमारी जो सोच है ना वो क्या काम करती है कि पहले फायदा आपका फिर हमारा, क्योंकि आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा, तभी दोबारा मेरे पास में आओगे। और सर मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कितने का, 250 का। ये देखो सर, मैंने पहली आइटम दिखाई आपको 150, दूसरी दिखाई 250 160 की। ये देखो सर, हर गड्डी में सर आपको रेट लिखा मिलेगा। अब दिखाता हूँ सर मैं आपको तीसरी आइटम 190 की। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, अब मैं चौथी आइटम दिखाता हूँ आपको 200 की। ये देखो सर, ये देखो सर, अब करना क्या है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चारों आइटम को क्लब करना है आपस के अंदर, और क्लब करके एक एवरेज निकालनी है, और एवरेज निकाल के आपको धड़ा बनाना है कितने का, 250 का। कैसे बनाना वो मैं आपको बताता हूँ, 150 का एक आर्टिकल, 160 का एक आर्टिकल, 190 का एक आर्टिकल और 200 का एक आर्टिकल, इन चारों को क्लब करोगे आपकी एवरेज आएगी 175 रुपए की। 175 के बाद करो 250 रुपए से माइनस, कितने रुपए सूट का नफा है सर, 75 रुपए सूट का, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए सर 22,500 रुपए। कितने लगाए थे, 25,000। कितने दिन के लिए लगाए, 60 दिन के लिए, और कितने पीस बेचने हैं, मात्र 5 पीस आपको। अब आपको लग रहा होगा यार इसमें क्या मालूम पड़ेगा, क्या चीज है इसमें क्या नहीं है, तो पहला आर्टिकल मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, कितने रुपए का सर, 200 रुपए का, सिर्फ 200 रुपए का। ये देखो सर मैंने खोला ये सूट, देखो सर 200 रुपए का सूट। अब ये देखो सर इसका दुपट्टा भी देखना जरा, दुपट्टे की लेस लंबाई चौड़ाई सब देखना, खींचो बेटा दुपट्टा जरा एक बार देखो सर जरा। अब देखो इसकी कितने का बेचना है सर, 250 का। ईमानदारी से बताना, अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जिसको भी आप मानते हो, क्या 250 में बिक जाएगा सर, आराम से बिक जाएगा, 350 में बिक जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा के लिए मत सोचो, कम का सोचोगे ज्यादा मिलेगा तो खुशी हाथ लगेगी, और ज्यादा का सोचोगे कम मिलेगा तो मायूसी हाथ लगेगी। अब आपको लग रहा होगा यार 200 वाला तो बिक जाएगा 250 का, 190 वाला नहीं बिकेगा। ये देखो सर मैंने खड़ी गड्डी आपके सामने, सर 350 का बिकेगा सूट ये वाला, दुपट्टा लाओ जरा बेटे इसका, देखो जरा कितने का सूट है सर, ये मात्र 190 रुपए का सूट है, ये मेरे खुदा सूट है। ये देखो सर दुपट्टा हाथ में लो राजी, जरा दुपट्टा हाथ में लो सर, दुपट्टा तो बिल्कुल मक्खन रहा है, बिल्कुल कितने का सूट है सर, मात्र 190 रुपए हाथ में दुपट्टा भी है सर। ये राधे राधे परिवार है, कपड़ा देने से पहले भी आपके साथ है और कपड़ा देने के बाद भी आपके साथ है, सोच एक ही है कि कपड़े का व्यापार है। सर देखो जरा चीज अभी है कितना खूबसूरत सर, मात्र 250 जिंदगी भर दूंगा इसी रेट से दूंगा, ना मेरी कोई चीज कभी खत्म होती, ना किसी चीज का रेट मेरा कभी ऊपर नीचे होता। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया 200 के बाद 250 का, अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ सर 300 रुपए का, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको 2 आइटमें मिलानी है सिर्फ जी। ये देखो सर 220 तो गड्डी खोलूंगा सर, मैं जो बोलूंगा गड्डी खोलूंगा 220। देखो सर हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है जी। ये देखो सर 220
अब मैं आपको जो आइटम दिखाऊंगा इसके बाद की वो मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले करके, क्योंकि जो आइटम है सर ये नॉर्मल रेंज की आइटम है, अगर मैं इसको भी खोल करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा 250 का, कितने का बेचना है सर? मात्र 300 रुपए का। सर चीज देखना जरा, 350 में मिल जाए ना तो कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा। देखो जरा सर, फिनिशिंग में डालो जरा, फोकस करो जरा इसका, कितने का छूटे सर ये? मात्र 250 रुपए। 250 रुपए। अभी देखो सर आप इसका दुपट्टा, सर कान पकड़ता हूँ, सीधा पकड़ता हूँ, कस के पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता। जो बात बोलूंगा डंकी की चोट पे बोलूंगा, राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। देखो जरा चीज, कितने का छूटा था ये? मात्र 250 का। और कितनी वैरायटी मिलेगी इसके अंदर आपको? 250 वैरायटी मिलेगी। अब देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखो सर इसी रेंज का एक आर्टिकल और दिखाता हूँ आपको, वो मैंने आपको दिखाया था गले का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दामन का। मतलब मैंने क्या बताया सर, हिंदुस्तान के हर उस इंसान के मतलब का टेस्ट है जो कपड़े की व्यापार की एक सोच को अपने साथ जोड़ना चाहता है। कितने का है सर ये? मात्र 250 का। ठीक है, ये देखो सर आदि, अब देखो इसका दुपट्टा, देखो जरा चीज, देखो जरा कैलिबर, देखो जरा फिनिशिंग, देखो जरा इसकी आदि। अब देखो सर अब इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। 220 रुपए का एक आर्टिकल लो, 250 का एक आर्टिकल लो, एक पार्सल पैक होता है 120 सूट का, 60 सूट इसके लगवाओ, 15 डिजाइन के, 60 कलर दूंगा, 60 पीस के अंदर 60 कलर दूंगा और 60 सूट लगवाओ इसके, एवरेज कितनी आई आपकी? 60 सूट का इसका लगाओ 13,200 रुपया जी, और इसका लगाओ 15,000 रुपया, कितने का बना सर पार्सल आपका? 28,200 रुपया। 120 सूट चलेगा आपके पास में, आप 220 को और 250 को आप क्लब कर दो आपस के अंदर, आपकी एवरेज कितनी की आई? 235 की। बेचना कितने का है? 300 रुपए का। कितने रुपए सूट का नफा आया सर? 65 रुपए सूट का, इंटू में 5 इंटू में 60, कितने हो गए सर? 19,500 रुपए। ये तो मैंने बताया 5 सूट, अगर आप 10 बेच लेते हो इसके तो इंटू में कर दो, कितने हो गए सर? 39,000 रुपए। कितने लगाए थे? 28,200 रुपए लगाए थे मात्र आपने, और आपके घर में आएगा 39,000 रुपए। और कोई इंसान किसी भी कोने में बैठ के जो कैलकुलेशन करना जानता हो ना, अगर मेरी इस कैलकुलेशन को गलत साबित कर देगा ना तो डंके की चोट पे कहता है राधे राधे परिवार का ओनर प्रवीण कुमार, कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये तो 300 का बिक जाएगा, ये साला 300 का नहीं बिकेगा। दो साल दिखाता हूँ आपको, अगर ये 300 का बिकेगा तो ये 350 का बिकेगा जी। ये देखिए कितना खूबसूरत सर, मैंने खोला सूट। अरे सर दुपट्टा देखो, उसका दुपट्टा प्लेन था, आप कहोगे 250 में दुपट्टा प्लेन और 220 में दुपट्टा वर्क, यही तो सोच है राधे राधे परिवार। देखो सर जरा चीज, 300 का बेच रहा है सर ईमानदारी से, सब बिक जाएगा आराम से। इससे जो मेरी सोच आप तक पहुंच रही है ना, अगर ये सोच आपके मतलब की नहीं है, लेकिन आप 3 ऐसे लोगों को जानते हो जिनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जो लगता है आपको कि ये सोच उनके मतलब की है, तो हाथ जोड़ूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा 3 लोगों को शेयर करो, ताकि कम से कम आपका अगर ये मतलब नहीं निकलता इस चीज से तो उनका तो मतलब निकलेगा जी। अब देखो सर पहला आर्टिकल खोला मैंने आपके सामने, अब मैं दूसरा खोलता हूँ आपके सामने, कितने का छूटे सर? मात्र 220 रुपए का। 220। देखो सर जरा प्लीज, खोला मैंने आपके सामने, अब देखो सर आप इसको, ये खोला इसका दुपट्टा, देखो सर, देखो जरा चीज, कितने का बेचना है सर? मात्र 300 रुपए का। देखो जी, ये सोच है राधे राधे परिवार की, और उसके बाद सोने पे सुहागा, ना कोई चीज कभी खत्म होती, ना किसी चीज का रेट कभी ऊपर नीचे होता। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को जी। ये सोच है राधे राधे परिवार की। अब सर मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिखाया 200 का, उसके बाद दिखाया 250 का, उसके बाद दिखाया मैंने आपको 300 रुपए का। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आगे लेके चलता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ 350 का फॉर्मूला। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला आर्टिकल 350 की बिक्री का, देखो सर जरा चीज जी, बिल्कुल कपड़ा क्या है? प्योर फ्योना क्रेप। बाजार में कहीं जाओगे ना तो 400-450 गमती में फ्योना नहीं मिलेगी आपको। ये सूट रखा मैंने यहाँ पर, अभी देखो सर इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। कितने का बेचना है सर? मात्र 350 रुपए का। ये देखो जरा आर्टिकल, अब देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब दिखाता हूँ मैं इसी रेंज का एक आर्टिकल और, ये देखो सर, ये खोला मैंने इसका प्योर नाजनीन का दुपट्टा, ये देखो सर दुपट्टा खोल दिया मैंने आपके सामने। अब देखो सर इसका जरा लुक देखो जरा आप इसका, कितने का सर ये? मात्र 280 रुपए में। सर डायमंड का काम जो दिख रहे हो ना, ये पूरा हाथ का काम है। अगर 280 रुपए में आप डायमंड का ही काम करवा दोगे ना तो कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा, सूट तो बहुत बात की बात है। सर बड़े से बड़े होलसेलर नहीं दे पाते इस रेट में, आप दे रहे हो सर? सर मैं बनाता हूँ जी, और होलसेलर तो सर कहने के हैं, उनसे अगर पूछोगे ना कि यार इसके मेरे को 100 पीसेस दिए इनके, अच्छा 100 चाहिए, मैं पूछता हूँ फोन मिलाएगा उधर, उसके बाद बोलेगा बोले भाई साहब पैसे दे जाओ, 4-5 दिन में आ जाएगा कपड़ा, 4-5 दिन में जब उसको फोन करके पूछोगे भैया माल आ गया, बोले भैया कुछ और मंगवा लो, अब आपके पैसे चले गए।
तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ तो मंगवाओगे ना उसके यहां से। तो राधे राधे परिवार कभी ऐसा बोलता ही नहीं है, हम तो एक ही बात कहते हैं, जितनी क्वांटिटी मांगोगे आप रोज का, सर देखो आप दूध मांगोगे ना तो मैं खीर दूंगा आपको, ट्रक भर के कपड़ा चाहिए रोज का, एक ही डिजाइन का ट्रक भर के कपड़ा मिलेगा एक ही डिजाइन का। ये देखो सर आप पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब 350 की बिक्री जो आपको करनी है उसमें आपको एक आइटम और इंट्रोड्यूस करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा 300 रुपए में। ठीक है सर, देखना बुलबुल का बच्चा है सर, हेमा मालिनी का गाल है, हाथ लगाने से मैला हो जाता है। ये देखो जरा चीज, आइटम इतने का सूट है सर, ये मात्र 300 रुपए का। अभी देखो सर इसका कलर चार्ट, ये देखो प्योर सूती दुपट्टा है, इसके नीचे प्योर 72 कैमरी का दुपट्टा है सर। ये देखो जरा लंबाई चौड़ाई, अभी देखो जरा चीज, बहुत अच्छा है सर आपको मात्र 350 का। आपको ये लग रहा होगा यार 500 का भी बिक सकता है, 450 का भी बिक सकता है, भाई साहब पता नहीं क्यों इतना सस्ता पूछने को बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, दूसरा मेरा रेट कभी कमती बढ़ती नहीं होता। तो जो मिल रहा है अपनी जेब में रखो, ऑर्डर भेजो, दोबारा माल पहुंच जाएगा आपके पास में। अब देखो सर अब इसका कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का 300 में एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो जरा चीज सर, सूट तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको उसका दिखाता हूँ दुपट्टा। इस दुपट्टे को बोलते हैं गढ़वाली दुपट्टा, प्योर जैकार्ड का वीविंग दुपट्टा है सर। ये मैंने आपको सीधा दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका उल्टा। ये देखो सर ये पूरा वीविंग के अंदर है जो देख रहे हो ना आप, ये उसको बोलते हैं बनारसी जैकार्ड दुपट्टा। कितने का छूट है सर ये? मात्र 300 रुपए में। ठीक है, और कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपए। जी जितना बोलोगे उतना दूंगा, ट्रक भर के दूंगा आपको। अभी देखो सर अब इसका कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 250 का एक लो, 280 का एक लो और 300 का एक लो, मतलब 40 पीस 250 के, 40 पीस 280 के, 40 पीस 300 रुपए जी आपके बराबर बराबर हो गए। 120 का एक पार्सल आपका पैक हो गया, भाग करो 3 से, इंटू में करो माइनस करो 350 रुपए, इंटू में करो 5 और इंटू में करो 7, कितने हो गए सर? 22,000 रुपए हो गए भाई साहब। कितने लगाए थे? मात्र 25,000। अब देखो सर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से बताना, आप ईमानदारी से बताना। सर ये आया भाई के हाथ में 300 रुपए में, ये भाई के हाथ में आया 280 रुपए में, और ये भाई के हाथ में आया 250 रुपए में। और सर ईमानदारी से घूम के बताओ कौन सा सूट ऐसा है जो 350 में नहीं बिक सर? कोई भी बिक जाएगा, आप समझ रहे हो? और जितना बोलोगे उतना दूंगा, जितने डिजाइन बोलोगे उतने डिजाइन दूंगा, और जब तक बोलोगे आपको देता रहूंगा जब तक आपकी पूर्ति नहीं हो जाती। मात्र 350 की बिक्री दिखाई मैंने। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा 400 रुपए की। ठीक है, अब 400 की जो बिक्री आपको करनी है उसके लिए करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। आपको आइटम डालनी पड़ेंगे उसमें चार। ठीक है, कैसे कैसे डालनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये आइटम बढ़ेगी थोड़ी सी आगे, कितने की आएगी सर? मात्र 320 की। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था सर, 7,500 वैरायटी बनाता हूँ और 44 रेंज के अंदर बनाता हूँ। कहाँ से शुरू करी? 120 से, फिर आया 130 पे, फिर 150 पे, फिर 160 पे, फिर 180 पे, फिर 190 पे, फिर 200 पे, फिर 220 पे, फिर 250 पे, उसके बाद 280 पे, फिर 300 पे, फिर 320 पे। देखो सर जरा चीज, कपड़ा क्या है? 30-30। मैंने क्या बोला सर स्टार्टिंग में? तीन चीज जरूर बताऊंगा, कपड़ा बताऊंगा, स्टैंडर्ड बताऊंगा, कट बताऊंगा, रेट बताऊंगा, और क्या भाव में बेचना वो बताऊंगा। मतलब सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने 43 साल में सर एक ही बात सीखी है, खरीदना बहुत आसान है, बेचना सबसे मुश्किल। सर ऑर्गेंजा का दुपट्टा आएगा, कितने का सर? ये मात्र 320 रुपए का, और कितने का बेचना है? मात्र 400 रुपए में। अब सर पहले देखो इसका कलर चार्ट, देखो सर ये तो आ गई मम्मी, ये आ गए पापा, और ये आ गए इनके दो बच्चे, ये पूरा परिवार आ गया। राधे राधे परिवार की सोच एक ही है कि अगर परिवार का नाम दिया गया ना तो भावना भी जो मिलेगी ना बिल्कुल परिवार वाली मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 320 रुपए में प्योर मसलीन। जी देखो जरा चीज, इसको बोलते हैं पापा की परी। जी अभी इस टाइम पे भयंकर डिमांड है इन चीजों की, इसको बोलते हैं फिगर आइटम। दो नंबर स्क्रीन पर आएंगे, एक नंबर व्हाट्सअप का है, हेलो लिख के मैसेज डालोगे तो पूरा पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, पूरी वैरायटी पहुंच जाएगी रेट के साथ में। 12 से लेके 8 का टाइम है, जुड़िए राधे राधे परिवार से। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यार मोस्ट वेलकम, राधे राधे परिवार की पूरी टीम आपकी सेवा करेगी बिल्कुल परिवार की भावना के साथ। शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट।